अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है एहसान अक्रम और आप देख रहे हैं एहसान चौधरी का व्लॉग नंबर 20। आई थिंक 20 है या 21 होगा, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बिकॉज मैंने कोई 4 वीक से या पहले भी कोई इतना खास कंसिस्टेंसी से व्लॉग्स अपलोड नहीं किए, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी मोटिवेशन आई है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ व्लॉग्स अपलोड करूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आई थिंक सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आज के व्लॉग का सीन ये है कि अभी एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे हैं, तो अभी मेरे 3 एग्ज़ाम्स हो गए हैं, अब मुझे दरमियान में 10 छुट्टियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना लिया जाए। ऑल्सो बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हॉस्टल में आपको इतना अच्छा बैकग्राउंड कहीं भी नहीं मिलता। अगर आपको वीडियो बनानी है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बाहर गर्मी बहुत है, तो इसलिए मैं रूम में बैठ के ये जो है वो इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी से गुजारा कीजिएगा। कज़न मेरे का इधर एडमिशन हुआ है मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने सोचा उसको साथ ले के, तो आज हम जुमा पढ़ने जाएंगे फैसल मस्जिद में, तो रेडी शेडी हो के फिर मिलते हैं आपको बुल्ला के हॉस्टल जा। अच्छा, तो अभी डॉक्टर साहब के हॉस्टल हम पहुंच गए हैं, तो अभी उनसे मिलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो जुम्मे के लिए निकलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं फैसल मस्जिद, तो मिलते हैं फिर आपको। डॉक्टर साहब के रूम में आगे बैठे हैं, मैं आपको उनका रूम थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ, और ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे। ये देखो दांत रखे हुए हैं, पास वो किताबें रखी हुई हैं, बड़ा साफ रखा हुआ कमरा। अरे आप साफ आ गए हैं जी बस करके, माशाल्लाह। सर क्या हाल चाल है? ठीक हो? बढ़िया है, किताबा शताबा रखी हैं, तो अपना दांत शांत रखे ने, खैर है। बस पढ़ाइयाँ बड़िया होती हैं, पढ़ाकू बच्चे तुम हैं। है की कर रहे आप साहब? कैविटी प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो जी, देखो तानू फ्री है जी, सिखा रहे हैं आप साहब केवन कैविटी। कैविटी बनाई थी की करी था? कैविटी प्रिपेयर कर रहे फिलिंग वास्ते, क्लास 5 कैविटी। है देखो, है फ्री है, थोड़ा इलाज हो रहा है। देखो ना, थोड़े व्लॉग व्लॉग देखे करो, तानू इंशाल्लाह आगे भी डॉक्टर साहब नजर आंदे रहेंगे हम इंशाल्लाह। है क्या बात है, साहब खड्डा जा है, एक मारो हां ते चमची ये सीधा हो जाना साहब। काम नहीं नहीं, ये बहुत बारीकी वाला काम है, ये कार्विंग करना बहुत मुश्किल है। ओ जी साहब लगे हुए ने, चलो जी। तो वजू वगैरह कर लिया है, मैं तो हॉस्टल से अपने वजू करके आया था, साहब ने भी वजू कर लिया है, तो अब आपको मिलते हैं जाके फैसल। तो 12:50 का टाइम हुआ और हम फैसल मस्जिद पहुंच गए हैं, तो तकरीर वगैरह जारी है हमारे साथ अब साहब जो हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अभी आपको अंदर जाके मिलते हैं। हाल तो मेरे ख्याल से कोविड की सिचुएशन है, मैं भी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क वैसे अलाउ है, और सॉरी अलाउ कह दिया, ज़रूरी है मास्क। तो अगर आप फैसल मस्जिद में आए जुमा पढ़ने के लिए, तो मेक श्योर करें आपने मास्क पहना हो, और कोई 30-40 रुपये जेब में लाजमी रखेंगे, 20 रुपये पीछे
पार्किंग के भी लेते हैं बाइक के या कार वगैरह के, जो भी कार के मेरे ख्याल फ्री है लेकिन बाइक के शायद लेते हैं। तो अभी जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक छोटा सा सीक्वेंस आपको दिखाते हैं। हमने अदा कर ली है, तो एक दो बातें आपसे करनी थी कि जब आप फैसल मस्जिद आते हैं तो आप ये मेरे बैक साइड पे मस्जिद देख रहे हैं, इसके जो मीनार है, इसके जो मीनार हैं आपको क्या लगता है, जो ये मीनार है एक बड़ा है, तीन छोटे हैं या सब इक्वल हैं? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है। मेरे ख्याल से सब एक जैसे हैं, उसकी लॉजिक क्या है, जिस मीनार के नज़दीक आप खड़े होंगे वो आपको बड़ा लगेगा, दूसरे वाले बाकी छोटे लगेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है। और जी फाइनली हम मैकडोनल्ड पहुंच गए हैं, पहले हम गए थे उधर सफ़ा गोल्ड मार ना, तो मुझे लगा था वहाँ पे मैकडोनल्ड होगा, पहले था क्योंकि मैं एक दो दफ़ा पहले वहाँ गया हूँ, लेकिन इस दफ़ा गए तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ से चला गया है। सेंट टॉरेंस जाते तो वहाँ उन्होंने जाने नहीं देना, तो वहाँ एक्स्ट्रा पे करने थे टिकट के लिए, तो इसलिए फिर हम फाइनली F9 पार्क के साथ है मैकडोनल्ड, हम वहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से कुछ खाएं पिएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा तो अभी ऑर्डर हमने दे दिया है, ये बिल है इसका, लोग आ तो मैंने अभी कभी इधर बैठ के पब्लिक प्लेस में बनाया नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग कंसिस्टेंटली स्टार्ट की जाए और वीक में एक या दो व्लॉग अपलोड किए जाए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि व्लॉग किस तरह बनाया जाए पब्लिक प्लेस में। तो खाना शाना हमने खा लिया है, आप लोगों को भी दिखा दिया, आपने भी खा लिया होगा। तो ये था आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। तो मैंने एक दिन, अभी एक दिन तो नहीं, मैंने कल भी शायद मैं देख रहा था यूट्यूब पे ना, तो ऑलमोस्ट 70-75 लोगों ने ना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो वो मेरी देखते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट व्लॉग या कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए हाफिज़ पाकिस्तान। मिलता